जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल बैक बेंचर में। आजकल आप देख रहे होंगे सारे न्यूज में, सारे पेपर्स में, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर हैंडल में, मतलब सारी सोशल मीडिया में, न्यूज में सब जगह एक ही चीज चल रही है, इसराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट। क्या है ये, क्या चल रहा है साले? जैसे दिवाली में अपन बचपन में रॉकेट चलाते रहे, पांच पांच दस दस इकट्ठा आग लगा देते रहे, उड़ जाता रहा, वैसे फिलिस्तीन इसराइल के ऊपर दाग रहा है ऐसे रॉकेट साला, सौ सौ एक ही बार में छोड़ दे रहा है। अभी तक आज की डेट में बता रहा हूँ, लगभग अगर इसराइल मीडिया की मानी जाए तो करीब 2000 रॉकेट दागे जा चुके हैं इसराइल के ऊपर, पर उसका कोई खासा असर नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं आखिर ये कन्फ्लिक्ट है क्या। हम बहुत सारे उसमें देख रहे हैं और बहुत कंफ्यूजिया भी रहे हैं ये साला, ये मतलब अच्छे से क्लियर समझ पे नहीं आ रहा है। आज मैं यहाँ पे हूँ आपको बिल्कुल एकदम क्लियर बता दूंगा आखिर ये कन्फ्लिक्ट है क्या, इंटरनेशनल इशू क्यों बन चुका है ये। देखिए क्या हुआ रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंडिंग हुआ था, मतलब एंडिंग चल रही थी, तो क्या हुआ, यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म करा गया। यहूदी कौन, जो अभी प्रेजेंट इसराइल में जो लोग रहते वो यहूदी कहलाएंगे, और जो फेलेस्तीनीज में है वो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। तो आज जो लड़ाई है इनके आपस के बीच में हुई है, तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म करा गया, उनका अस्तित्व खत्म होने लगा। तो उनके अस्तित्व को बचाने के लिए यूएनओ ने डील कराई, कौन सी, उन्होंने बोले कि हमें यहाँ पे फेलेस्तीन में थोड़ी सी जगह चाहिए। ये देखिए अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड मैप में, पहले मैं आपको दिखा देता हूँगा कि इसराइल की लोकेशन है कहाँ एग्जैक्ट। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें रेड डॉट है वो इसराइल को दिखा रहा है और ब्लू डॉट इंडिया को दिखा रहा है। अगर हम देखें कि इसराइल एग्जिट्स कहाँ करता है, तो ये मिडिल ईस्ट एशिया में एग्जिट्स करता है। और जो ये वाला मैप हैगा, ये अभी प्रेजेंट का मैप हैगा इसराइल का है। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जबकि एंड होने लगा, तो यहूदी रहे जो कि इसराइल के लोग, उन्होंने बोला कि हमें जगह चाहिए रहने के लिए, कहाँ पे, ये पूरा जो रहा, या ये पूरा क्या रहा, फेलेस्तीन रहा। तो क्या हुआ, यूएनओ ने 1948 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन किया रहा। कौन सा, बेलफोर डिक्लेरेशन। इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जो फेलेस्तीन जो हो गया उसको 48% भाग दिया गया इस पूरे लैंड का, फेलेस्तीन को 48% भाग दिया गया, इसराइल को दिया गया 44%, और जो 8% भाग बचा इस पूरे लैंड का, मतलब 48% फेलेस्तीन को बोला कि भैया आप रहोगे यहाँ पे, और जो जो यहूदी रहे उनको 44% दे दिया, जो कि वो इसराइल में रहने लगे, और जो 8% हिस्सा बचा इस लैंड का, वो यूएनओ ने बोला कि इस पे मेरा वो रहेगा, मतलब उसी के अंडर, यूएनओ के अंडर ये पूरा कंट्रोल रहेगा 8% हिस्सा का। वो कौन सा 8% हिस्सा है, तो इस पूरे लैंड में ये जो है जेरूसलम, तो जेरूसलम का जो जेरूसलम है, तो ये पूरे लैंड का 8% हिस्सा है, तो इस पे किसका शासन रहेगा, यूएनओ का रहेगा। देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चारों मैप हैं फ़लस्तीन के हैं। देखिए, पहले वाले मैप में येलो वाला पार्ट जो फ़लस्तीन का बता रहा है, और येलो वो ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे डॉट हैं वो इसराइल का पार्ट है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ये आपस में युद्ध करते रहे फ़लस्तीन और इसराइल, तो इसराइल क्या है, फ़लस्तीन पर भारी पड़ता गया हर बार। तो देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उसने इसराइल ने कब्जा करता गया आगे। और आज का जो लास्ट वाला मैप है मौजूदा स्थिति का, इसमें ग्रीन वाला पार्ट देखिए कितना बड़ा हो गया, और जो पैलेस्टीन है उसका पार्ट बहुत छोटा रह गया। चलिए मेन कन्फ्लिक्ट देखते हैं कि आखिर शुरू कहाँ से हुआ, ये जो विवाद रहा वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। हर विवाद की कोई ना कोई जड़ होती हैगी। जैसे कि देखिए इसराइल हैगा, ये पूरा ये इसराइल हैगा, लेकिन इसराइल के अंदर ही जो फिलिस्तीन हैगा उसका भी थोड़ा सा जगह है। जैसे ये वाली जगह है जो फिलिस्तीन की है, ये वाली जगह फिलिस्तीन की है, और ये वाली जगह भी फिलिस्तीन की हैगी। मतलब इस पूरे इसराइल में तीन पार्ट जो है वो फिलिस्तीन की भी है, और जो ये पूरा देश हैगा, मतलब इसराइल और फिलिस्तीन, ये पूरा मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। मुस्लिम देश कौन कौन से, जैसे सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, अलग अलग जगह हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ इस पूरे मैप में ये जो है ये जेरूसलम है, तो जेरूसलम में किसका कंट्रोल हैगा, यूएनओ का हैगा। अब जो जेरूसलम हैगा, जो जेरूसलम को कहा जाता है होली लैंड, होली लैंड मतलब पवित्र स्थल। अब पवित्र स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन पवित्र स्थल हैं, इसलिए इसको पवित्र स्थल कहा जाता है, होली लैंड। देखते हैं कौन कौन से तीन स्थल हैं जो ऐसे, देखिए अगर ये हम मान लें कि इस वाले पार्ट को मैं इसमें दिखा रहा हूँ फिगर में, ताकि आपको आसानी से समझ के आए, इसमें तीन पार्ट कर लिए। इसमें एक पार्ट है क्रिश्चियनों का हैगा, क्रिश्चियन बोलते हैं ये हमारी होली प्लेस है, मुस्लिम बोलते हैं ये हमारी होली प्लेस है, इसराइल बोलते हैं ये हमारी पवित्र स्थल है। क्या हुआ, क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन जेरूसलम में एक जगह है जो में एक कि जगह है क्रिश्चियनों की। बिथलेन, जो कि क्रिश्चियन ये दावा करते हैं कि जो उनके जो ईसा मसीह है, जिनके ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, इनका जो जन्म स्थान है वो यही है। और दूसरा जो मुस्लिम है, मुस्लिम ये दावा करते हैं, मुस्लिम दूसरी जगह, मुस्लिम मुस्लिमों की जो अलकासा मस्जिद है वो भी यहाँ पे है। आप जानते होंगे मुस्लिमों के जो दो पवित्र स्थल है, एक है मक्का, दूसरा है मदीना, वो यहाँ पे है। कहाँ पे, सऊदी अरब में है, पहला मक्का, दूसरा मदीना।
ये दोनों पवित्र स्थल है, लेकिन जो तीसरा मुस्लिमों का पवित्र स्थल है वो अलकासा मस्जिद, जो कि कहाँ पे है, जेरूसलम में है। और इसराइल के जो यहूदी हैं वो बोलते हैं हमारे जो दादा परदादा जो पुराने हैं, जो मूल स्थान हमारा है वो यही हैगा, तो जेरूसलम हैगा, इसलिए इसको होली लैंड कहा जाता है। अब जब एक मसला हुआ क्या रहा, अब जेरूसलम में ही एक जगह है कि शेख जर्राह, जेरूसलम में ही एक जगह है शेख जर्राह, कहाँ पे है, अलकासा मस्जिद जो है, अलकासा मस्जिद के बगल में, मतलब थोड़ी दूर में एक शेख जर्राह जगह है। तो शेख जर्राह जगह जो है उस पर क्या हुआ, कौन ने मकान बना के रखे हैं, वहां पे मकान बने थे फिलिस्तीनियों के, मतलब मुस्लिमों के। तो सुप्रीम कोर्ट इसराइल को, शहजारा ने क्या कहा, मतलब इसराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शहजारा को कहा यहाँ पे जितने भी जो मकान बने हैं उनको सब तोड़ा जाए। क्यों तोड़ा जाए, क्योंकि आज से 150 साल पहले वो जमीन जो है इसराइल के जो यहूदी है उन्होंने खरीदी रही अरब देश वालों से, और वो जो उनके जो कागज है, मतलब जो पेपर वेपर है, वो सारे किन के पास है, इसराइल के पास है। और लेकिन घर किन के बने हैंगे, वो घर बने हैंगे फिलिस्तीनियों के, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको तोड़ो। तो भैया जैसे भी चलना चालू हो गई, खड़ी हो गई, तो क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन जब अलकासा मस्जिद में बहुत सारे लोग आए थे नमाज अदा करने, तो वहां पे इसराइल की जो सरकार है उसकी जो खुफिया एजेंसी, उसको मालूम था कि यहाँ कुछ ना कुछ 3-5 होगा। तो क्या इसराइल की सरकार ने क्या की, जो अलकासा मस्जिद है उसी के अंदर उन्होंने अपने कुछ सिक्योरिटी के जो जवान हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो तैनात कर दी कि भैया जो भी मसला होगा उसको देख लेंगे। तो वो क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहे और वहां के जो लोग रहे उसमें धीरे धीरे बहस चालू हो गई, और फिर बहस से फिर क्या हो गया, अफरा तफरी मचने लगी, मतलब धीरे धीरे माहौल गर्मा गया, मतलब लड़ाई का माहौल चालू हो गया। तो क्या हुआ, वहां की जब लड़ाइयां चालू हो गई तो अलकासा मस्जिद के अंदर जो लोग रहे वो सारे अंदर चले गए, कहाँ पे चले गए, मस्जिद के अंदर चले गए सारे सिक्योरिटी गार्ड। इसी को लेकर के यहाँ पे विवाद चालू हुआ कि सारे मुस्लिम लोग जो रहे वो बोले थे कि सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो अंदर कैसे जा सकते हैं, हमारा मस्जिद जो है बहुत ही पवित्र है, ये अंदर कैसे जा सकते हैं। तो इसी से वो जो सारे जो मुस्लिम देश रहे उन्होंने क्या करा, जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैंगे बेंजी, उनके ऊपर दबाव लगा चालू कर दिया, मतलब जो न्यूज व्यूज में जो खबर आने लगी वो इसी की वजह से मेन जो रहा, मेन मसला यही रहा। अब क्या हुआ कि जो लड़ाई बढ़ते गई, अब आगे क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन ये कौन सा पार्ट, जो कि गाजा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का फिलिस्तीन के क्या कहते हैं, गाजा कहते हैं। तो यहाँ से इन्होंने मिसाइल दागना चालू कर दिए, कहाँ पे, इसराइल में, मतलब यहाँ से मिसाइल जो है बहुत सारे मिसाइल यहाँ पे इसराइल में दागना चालू कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गाजा, गाजा में जो कौन है, हमस, गाजा में एक हमस है, हमस एक संगठन है, इसको लोग क्या बोलते हैं कि ये नक्सलवादियों का संगठन है, आतंकवादी एक संगठन हैगा जो कि यहाँ पे है। वो क्या कर रहा हैगा, वो गाजा से यहाँ पे इसराइल के ऊपर क्या कर रहा हैगा, मिसाइलों की बरसात कर रहा, क्या कर रहा, मिसाइलों की बरसात कर रहा है, एक दो मिसाइल नहीं छोड़ रहा, सीधा 100 100, 200 200, 300 300। अगर अभी देखा जाए आज की स्थिति में करीब 2000 मिसाइल उसने छोड़ चुके हैं, 2000 मिसाइल उसने छोड़ चुके हैं, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो अब इससे काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन नहीं, इससे नुकसान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसराइल ने इसके मिसाइल के बदले में क्या यूज किया, आयरन डोम शील्ड। आयरन डोम शील्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे मिसाइल है कि अगर ये जो हमस है, हमस जो है ऊपर अगर छोड़ेगा तो इनका एंटी डोम जो शील्ड है वो भी ऊपर जाएगा और ऊपर से इनके मिसाइल को पूरा खत्म कर देगा, चकनाचूर कर देगा। अब क्या हुआ, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल के पास भयंकर हथियार हैं, बड़े बड़े पावरफुल हथियार हैं, तो अब इसराइल भी अटैक कर रहा है कहाँ, गाजा के ऊपर, कहाँ पे, हमस के ऊपर। तो हमस का जो संगठन है, अब इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, भयंकर तबाही मचा रहा कहाँ पे, हमस के ऊपर, और बोल रहा है मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि हमस को पूरा, दादा परदादा नाना नानी सबको उनके खत्म ना कर दूं, मतलब पूरे उनकी जड़ को जब तक नहीं मिटा दूंगा मैं नहीं रुकूंगा। देखिए इस लड़ाई में यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ मीटिंग बुला रहा है और बैठा रहा है। अब देखते हैं हमारा इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत है हमारा, ये इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, इंडिया क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। देखिए अगर इंडिया बोलता कि भैया हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल ने क्योंकि फिलिस्तीन पे कब्जा किया है, तो जैसे पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा किया है, चाइना ने भी कुछ पार्ट हमारा कब्जा किया है, अगर हम इसराइल का साथ देंगे तो सब बोलेंगे भैया कि जो कब्जा वाला किया है तो वो सही है, मतलब जो पाकिस्तान ने तुम्हारे यहाँ पे कब्जा किया वो भी सही है, चाइना ने भी जो कुछ पार्ट कब्जा किया वो भी सही है। देखिए जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, पीओके वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है भारत पे, और ये अक्साई चीन वाला जो ऑक्यूपाइड बाय चाइना, मतलब जो चाइना ने कब्जा करके रखा है, इसलिए हम इसराइल का ना डायरेक्ट साथ भी नहीं दे सकते हैं, पर उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसराइल से बहुत सारे जो हथियार हैं हमारे इंडिया में सप्लाई होते हैं। देखिए यही जो रहा पूरा कंफ्लिक्ट, आई होप आपको समझ पे आया होगा। अब इसके आगे जो भी अपडेट रहेगा बड़ा, तो मैं इसको आपके लिए न्यू वीडियो में बनाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और हाँ, आपको 1 मिनट लगेगा यार चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए मेरी तरफ से। और चैनल को लाइक भी करना और शेयर भी करना इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।